सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर 6 में जहां एक ओर लोग कोरोना से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब संदिग्ध व्यक्ति की वजह से घरों में जागने को मजबूर हो गए हैं। ये संदिग्ध व्यक्ति रात को लोगों के घरों में तांग झांक कर रहा है। ये नंगे पैर रात को दबे पांव लोगों के घरों में घुस जाता है और खिड़कियों से तांग झांक करता है। तांग झांक करते ये संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। ये व्यक्ति रात के अंधेरे में नंगे पैर क्यों घूम रहा है, ये सभी के लिए पहेली बना हुआ है। फिलहाल इस घटना की शिकायत पुलिस को कर दी गई है। ये जानकारी पूर्व पार्षद भरत साहनी ने मीडिया को दी। पूर्व पार्षद भरत साहनी ने बताया कि उन्हें वार्ड के सदस्यों के द्वारा जानकारी दी गई कि उनके घर के पास कोई संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति की सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाई है। इस वार्ड के एक और व्यक्ति ने संदिग्ध व्यक्ति को देखा था, जो लोगों को देखकर भाग खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि इस बारे में पुलिस को जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पूछताछ आरंभ कर दी है और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही उस व्यक्ति की पहचान कर ली जाएगी। 1 बजे 11:30-12 बजे फोन आया मेरे वार्ड से। एज अ काउंसलर हम लोग सबका फोन लेते हैं रात को भी, क्योंकि आजकल इमरजेंसी टाइम चला हुआ है और कोविड पेशेंट्स भी ज्यादा हैं। तो जैसे मुझे घंटी बजी तो मैंने फोन उठाया, तो मुझे पता लगा कि PWD कॉलोनी के आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे और वह रेकी कर रहे थे घरों की, जो कि वीडियो में देखा गया है। वो घरों के अंदर किचन में झांक झांक कर रहे थे, नंगे पैर भी थे। तो हमने इसकी सूचना यहाँ पर पुलिस प्रशासन को दे दी है और कुछ लोग उस पर, मैंने SP साहब से भी बात कर ली है, SHO साहब से बात कर ली है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब पुलिस अपना काम करेगी। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो 1-2 जगह से और भी फ़ोन आया कि यही व्यक्ति थोड़े दिन पहले बानमल्ले में पाया गया था रात को 4 बजे, और तब भी किसी लोगों को देख करके ये भाग गया था। और अब आज ये PWD कॉलोनी के पास पाया गया कल रात को। तो पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी मुझे लगता है, क्योंकि हमने वीडियो दे दिया है पुलिस को और पुलिस ने कहा भी है कि हम लोग अपने एंड पे इसका पूरी तफ्तीश करके जो भी होगा वो आप SHO साहब या SP साहब से पूछ सकते हैं। जिस हिसाब से वो घूम रहा था उस हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि उसकी जो मंशाएँ थी वो ठीक नहीं थी और घर में घुसने की थी। जैसे ही घर वालों ने लाइट जलाई उसी तरफ तुरंत वो भागा, और मुझे सूचना मिली तो हम लोग कुछ रात को आसपास का एरिया खंगाला, पर वो हमें मिला नहीं। और फिर उनके तुरंत उसकी सूचना हमने SHO साहब को दी और फिर सुबह हमने SP साहब को भी इसकी सूचना दे दी है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी।